ये इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई, आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं। हाँ, हमने भी उठाया है, हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई, आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं। और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा, कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को मैकडोनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको, उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले एक ऐसा विवाद गर्मा गया है जिस पर तमाम विपक्षी दल एक साथ यूपी की योगी सरकार के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी बरस पड़े हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी प्रशासन की ओर से एक ऐसा आदेश आया जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कांवड़ मार्ग में आने वाले खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने का आदेश दिया है जिससे दुकानदारों की पहचान हो सके। विरोधी नेता इसे मुसलमानों से भेदभाव बता रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। हाँ, हमने भी उठाया है, हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई, आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं। और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा, कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को मैकडोनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको, उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं?